बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के सिर पर भारी मुसीबत टूट पड़ी है। अमीषा पटेल के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो गया है। तारीख पर पेश न होने की वजह से कोर्ट ने अमीषा के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है। एक शख्स का आरोप है कि उसने अमीषा को शादी में नाचने के लिए 11 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अमीषा उस शादी में ही नहीं पहुंची, उल्टा उन्होंने 2 लाख रुपए की और डिमांड कर डाली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पवन वर्मा ड्रीम विजन नाम की इवेंट कंपनी चलाते हैं। उनका आरोप है कि अमीषा को 16 नवंबर 2017 को एक शादी में डांस करना था, जिसके लिए उन्होंने 11 लाख रुपए एडवांस लिए थे। अमीषा पटेल दिल्ली आकर बोली कि यहां से मुरादाबाद बहुत दूर है, इसलिए 2 लाख रुपए और लगेंगे। दिल्ली से मुरादाबाद की दूरी महज 160 किलोमीटर है, जो सड़क के रास्ते 3 घंटे में तय हो जाती है। अमीषा पटेल जिद पर अड़ी रहीं और फिर बिना बताए वो दिल्ली से वापस चली गईं। इसके बाद अमीषा ने पवन वर्मा के 11 लाख रुपए भी वापस नहीं किए। हालांकि दूरी जैसी चीजें तो पेमेंट करते समय ही बता दी जाती हैं। अब कोर्ट ने इसी मामले में अमीषा के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर वारंट जारी करने के बावजूद अमीषा बिना कोई ठोस कारण दिए अदालत में पेश नहीं हुई तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। यह अमीषा के खिलाफ पहला मामला नहीं है। इससे पहले वो पैसों को लेकर कई बार विवादों में फंस चुकी हैं। पिछले साल अमीषा के खिलाफ भोपाल की एक अदालत ने भी वारंट जारी किया था। एक अन्य मामले में अमीषा पटेल और उनके भाई अस्मित पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था, जिसमें दोनों के खिलाफ वारंट भी निकल गया था। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। अमीषा पटेल जल्द ही गदर 2 में नजर आने वाली हैं। आजकल वो शादियों और फंक्शन में ही ज्यादा दिखाई देती हैं। फिल्मों में अब उन्हें उस तरह से काम नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।